हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली आज मैं जा रही हूँ सौराष्ट्र। बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। अभी मैं हाल ही में सोमनाथ जाके आई, तो हमारा प्लान था कि वहाँ भी जाने का, लेकिन नहीं जा पाई। और बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ पे देखा सौराष्ट्र का, तो तभी से सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे जाएंगे, लेकिन फाइनली नहीं बन पाया। तो अभी हमने प्लान किया है जाने का, तो हम लोग निकल रहे हैं सौराष्ट्र। और वैसे मैं बाहर रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ोन में, मतलब ठीक है, मैंने तो बोला ही है कि मैं कनेक्ट रहूँगी, बट वो हो नहीं पाता है मुझसे। मुझे थोड़ा सा, हाँ मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं देखूँ, जहाँ मैं जाऊँ, वहाँ के बारे में आप लोगों को बताऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। ये मेरी रहती है एक्सपेक्टेशन हमेशा से, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अपने ब्लॉग में वीडियो शूट करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सौराष्ट्र। बाय, जय सोमनाथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं कल रात को आपको आप लोग को डिस्टर्ब नहीं की, और मैंने आप लोग के लिए वीडियो नहीं बनाया कि मैं सोमनाथ से निकल गई थी और मैं आज पहुंच गई हूँ मुंबई अपने घर। और हमारा ये पूरा ट्रिप बहुत अच्छा गया। भोले बाबा का दर्शन मैंने 6 बार किया 2 दिन में 6 बार मैंने भोलेनाथ का दर्शन किया। और बहुत अच्छे लोग मिले, और हमें आने के टाइम पे, जाने के टाइम पे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम जहाँ रुके थे वो सब लोग बहुत अच्छे मिले, और बहुत ही अच्छा 2 दिन निकल गया, पता नहीं चला। और मैं जल्दी ही फिर से सौराष्ट्र जाने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स मेरे छुटे हुए हैं, लेकिन मुझे पता था कि कुछ काम है, मुझे आना पड़ेगा फिर से, इसलिए मैंने पेंडिंग रखा है। और बहुत जल्दी मैं वहाँ जाने वाली हूँ और वहाँ का वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, और ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोग के लिए ले आऊँ और आप लोग से कनेक्ट रहूँ, ऐसी बड़े बाबा कृपा करें। बाय, जय सोमनाथ। प्लीज़ अगेन गुड मॉर्निंग। और आज मैं आ गई हूँ घर पे। हम गए थे सौराष्ट्र, कुछ पॉइंट्स हमारे बाकी थे, और मुझे थोड़ा काम भी था जब मैं सोमनाथ गई थी, तो एक्चुअली सब जगह पे मैं नहीं जा पाई। और कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि कुछ मेरा काम पेंडिंग है, तो मैं जल्दी ही वापस आने वाली हूँ, तो इसलिए पेंडिंग रखा था। तो आज मैं फिर से सौराष्ट्र गई थी, और अब मैं आ गई हूँ मुंबई, क्योंकि काम बहुत था और बहुत सारे पॉइंट्स भी जाने थे, इसलिए मैंने फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और आई होप अब सब समझदार हुई मेरे फ्रेंड्स सारे। तो मैं आ गई हूँ, और पिछली बार की तरह मेरा सौराष्ट्र का भी, खैर वो सोमनाथ भी सौराष्ट्र में ही आते हैं, बट मेरे कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैं वापस जाके कंप्लीट की सेकेंड शेड्यूल में। तो ये ट्रिप भी मेरा बहुत अच्छा रहा। और जो हमारी टीम पहले थी जब हम सोमनाथ गए थे, वही सारी टीम इस बार भी थी, और हम वहीं रुके थे, और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो देखती हूँ नेक्स्ट। अभी मेरा घूमने का पूरा प्लान है, क्योंकि बारिश है, अभी काम तो कुछ ज़्यादा है नहीं, और फ़िलहाल मैंने थोड़ा काम से ब्रेक लिया है, तो अभी फ़िलहाल घूमना। तो देखती हूँ नेक्स्ट मैं कहाँ जाऊँगी, और आप लोग के लिए वीडियो मैं वहाँ बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, डिपेंड ऑन सिचुएशन, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोग तक पहुँचाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच, इस बार भी आपने मेरा अच्छे से पूरा ट्रिप पूरा करवाया, और मेरी पूरी टीम को थैंक यू सो मच, और थैंक्स टू माय फैमिली। और ये दोनों ट्रिप हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू, जय सोमनाथ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब?
मैं आज आपको एक न्यूज़ देने वाली हूँ। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी, लेकिन आज जाके वो प्लान सक्सेस हुआ है। और मैं आज जा रही हूँ सोमनाथ दर्शन के लिए। और बहुत टाइम से मैंने प्लान किया था, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ हो जाती थी जिसके वजह से मेरा आना नहीं हो पा रहा था। शायद भोले बाबा की मर्ज़ी थी कि मैं सावन में आऊँ। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है, हम जो सोचते हैं उससे ज़्यादा ही वो सोचता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सावन मास में वहाँ दर्शन के लिए जा रही हूँ। और आई होप सो मैं आप लोगों को भी दर्शन करा सकूँ। तो लेट्स सी, बाय, जय सोमनाथ।